नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हरियाणा की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी बैंक खाते सीज कर दिए हैं। एससीए हरियाणा की ओर से जारी पत्र में अधीक्षक गुरुद्वारा चुनाव द्वारा बैंकों के जोनल प्रबंधकों को भी इस संबंध में निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है और जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लेन देन ना किया जाए, इसके पीछे किसी गबन की आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ताऊ देवीलाल के नाम पर समर्पित दूरदर्शन हरियाणा केंद्र के प्रोग्राम विभाग के सवा साल पहले चंडीगढ़ शिफ्ट होते ही उसकी आवाज गुम हो गई। हरियाणा की पहचान दूरदर्शन को बचाने के लिए आंदोलनकारियों ने खूब आवाज बुलंद की। यह बात संसद और विधानसभा तक गूंजी, लेकिन वापसी के नाम पर आश्वासन ही मिला। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गरमाने के आसार है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए डीडी हरियाणा के हिसार से ही वापसी का आश्वासन दिया है, लेकिन देवीलाल के नाम पर राजनीति कर रही भाजपा, जजपा और इनेलो जैसी पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर मौन है। वैसे दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति को अब भी खोए हुए दिन वापस होने की उम्मीद है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रंजिश कार्रवाई की आशंका जताते हुए राम रहीम ने बेदबी मामले में भटिंडा के दयालपुर और मोगा के समालसर में दर्ज दोनों एफआईआर की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, जिंद के शहजपुर व कंडेला गांव के निकट जिंद केथल मार्ग पर बुधवार सुबह टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 9 महिलाओं सहित 16 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। चालक की हालत गंभीर है, जबकि अन्य लोगों का उपचार चल रहा है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।